कर लेते हैं माइटोसिस की, यानी कोशिका के बारे में अपन पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। मैंने आपको काफी कुछ इसमें पढ़ा दिया था, उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, सेल साइकिल किस प्रकार से चलता है, कोशिकाओं को विभाजन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो उसी वीडियो को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे सेकंड वीडियो है ये उसका। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहला वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे बात करते हैं माइटोसिस की। तो मैंने कहा था आपसे कि जो माइटोसिस है वह G1 S और G2 और एक M, इन चार प्रावस्थाओं में से संपन्न होती है। G1 S G2 और M, इन चार प्रावस्थाओं में माइटोसिस की क्रिया संपन्न होती है। अब यहां पर G1 S G2, तो ये वाली जो प्रावस्था है इसको कहते हैं इंटरफेज और इसको कहते हैं डिविजनल फेज। ठीक है, तो डिविजनल फेज, तो यहां पर इंटरफेज और डिविजनल फेज दो प्रावस्थाएं हैं जो आपस में मिलकर माइटोसिस की क्रिया को संपन्न करती हैं। अब यहां से डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डिविजन फेज क्या होती है, यानी विभाजन अवस्था क्या होती है, विभाजन अवस्था क्या होती है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आज डिटेल से पढ़ने। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विभाजन अवस्था की, या इसको एम फेज भी कहते हैं। अगर मैं एम फेज की बात करूं तो यहां पर आपके ये वीडियो इसलिए काम में है क्योंकि ये मैं आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो डाउट है कंपटीशन एग्जाम में जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उनको भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यानी जो इसको नोट कर लो चाहो तो आप, कि डिविजन फेज में कौन से एंजाइम यहां पर काम में आते हैं, यानी ऐसे कौन से एंजाइम है जो कोशिका विभाजन करने में सहायक है। तो उन एंजाइमों के बारे में आपको मैं बता दूं, एक तो है CDC2, एम फेज को नियंत्रित करने वाले जो जीन है वह CDC2, CDC28 ABC2, CDC2, CDC28, ये जो जीन है ये क्या करते हैं, एम फेज को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसको इंपोर्टेंट लगा लो क्योंकि ये कंपटीशन एग्जामों में आपको डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एम फेज को नियंत्रित करने वाले जीन कौन कौन से हैं। तो एक तो CDC2, एक CDC28, एक CDC2 और CDC28। तो इन जीनों को डायरेक्ट एग्जामों में पूछ लिया जाता है। बच्चे सोचते हैं कि सर पेपर बनाया कहां से, तो भाई पेपर इन चीजों को ज्यादा पूछ लिया जाता है। ज्यादातर अभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जामों में जो टफ एग्जाम माने जाते हैं उनमें ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट जीन उठाकर आपसे पूछ लेगा कि बताइए एम फेज का जीन कौन सा है। सेल डिवीजन तो सबने पढ़ा है, सबको पता है सेल डिवीजन क्या होता है। हाँ, कोशिका विभाजन तो सब जानते हैं बेसिक, लेकिन क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसलिए इन चीजों को आपको याद रखना जरूरी है। एम फेज में दो घटनाएं घटती है जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले घटना है केंद्रक विभाजन और दूसरा है जीवद्रव्य विभाजन। यहां पर दो घटनाएं हैं। तो पहली घटना कौन सी है कोशिका विभाजन में, एक तो है केंद्रक विभाजन और दूसरा है जीवद्रव्य विभाजन। अब यहां पर दोनों डिटेल्स अपन पढ़ेंगे, यानी केंद्रक विभाजन और दूसरा जीवद्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन क्या होता है, जीवद्रव्य विभाजन क्या होता है। तो कोशिकाओं का, जैसे मान के चलो कि ये कोई कोशिका है, ये इसका केंद्रक है और ये इसका जीवद्रव्य है, यानी साइटोप्लाज्म है। अगर इस केंद्रक को मैं आपको यहां पर जूम करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि केंद्रक में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जिनका विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। तो केंद्रक में अपन जानते हैं कि यहां पर क्रोमेटीन जाल पाया जाता है और इस क्रोमेटीन जाल में प्रोटीन पार्ट्स भी पाया जाता है, बीच बीच में प्रोटीन भी मिलता है और बाद में यही क्रोमेटीन बीच में क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं।
और फोल्ड होकर क्रोमोजोम्स का निर्माण करते हैं। तो वह सारा प्रोसेस आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा किस प्रकार से क्रोमोजोम्स का निर्माण होता है, किस तरह से क्रोमोजोम्स में जीन अरेंजमेंट होता है, कैसे कैसे वो एक दूसरे से जीनों का ट्रांसफर होता है, किस प्रकार से उन पर लिंकेज होता है, वह सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है। भाई क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है और बीच बीच में यहां पर प्रोटीन पार्ट्स भी पाए जाते हैं। अब ये पोर्शन होता है केंद्रक का, जिसका मतलब यहां पर इस केंद्रक में क्या होगा, विभाजन होगा। तो इस विभाजन को अपने को डिटेल से पढ़ना है और यहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर सेल डिवीजन में से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो इस वाले भाग से बनते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन में कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है केंद्रक विभाजन का, यानी यहां पर केंद्रक विभाजन में कौन कौन से जीन आते हैं, किसके तरह से कौन सी अवस्था में क्या होता है, ठीक है। तो वह सारी फेजें अपने को याद होना चाहिए और इसी को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है जीव द्रव्य विभाजन। अब जीव द्रव्य विभाजन का मतलब क्या है कि केंद्रक का विभाजन तो हो रहा है, एक तरफ तो केंद्रक का अलग से विभाजन होगा और साथ में इस जीव द्रव्य का भी विभाजन होगा, क्योंकि अपन पढ़ा है कि कोशिका जब विभाजित होती है तो उसका जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है। कुंचित होने का मतलब वो अंदर की तरफ धंसने लगती है कोशिका, और जब धंसने लगेगी तो उसका जो जीव द्रव्य है वो दो भागों में बट जाता है। और जब जीव द्रव्य दो भागों में बट जाता है तो कहीं ना कहीं जो उसका केंद्रक है वो भी दो भागों में बटना प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर दो विभाजन अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि जो केंद्रक है वो भी विभाजित हो रहा है और जो जीव द्रव्य है वो भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो ये चीज क्यों जरूरी है और किस प्रकार से होती है उसी को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रक विभाजन की, कि केंद्रक विभाजन होता क्या है, फिर उसके बाद में अपन जीवद्रव्य विभाजन पढ़ लेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं अपन केंद्रक विभाजन की, क्या है केंद्रक विभाजन, किस तरह से होता है। तो भाई केंद्रक विभाजन जब होता है तो इसमें बहुत सारी प्रावस्थाएं चलती है। तो बात कर लेते हैं अपन केंद्रक विभाजन की, यानी कैरियोगाइनेसिस की। यहां पर जो केंद्रक विभाजन होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, यानी इसका प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं ज्ञात है, ये पूरी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इसका विभाजन होता है। और यहां पर इसी विभाजन के दौरान अनेक प्रावस्थाएं आती है जिनको आज अपन पढ़ेंगे, यानी कोशिका के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, उन्हीं बदलावों को अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो उन बदलावों को अलग अलग प्रावस्थाओं के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहली प्रावस्था है प्रोफेज, प्रोफेज। दूसरा है एनाफेज, एनाफेज के बाद में तीसरी है मेटाफेज और चौथी प्रावस्था है टीलोफेज, ठीक है। तो ये चारों प्रावस्थाएं अपने सामने हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान ये चार प्रावस्थाओं में से कोशिकाएं गुजरती है, यानी जो केंद्रक होता है उन चार प्रावस्थाओं को पूर्ण करता है, जब जाकर उसका विभाजन संपन्न हो पाता है। तो पहले है प्रोफेज, दूसरा एनाफेज, तीसरा मेटाफेज और चौथा टीलोफेज। तो यहां पर प्रोफेज का मतलब क्या है, प्रोफेज का मतलब ये है कि ये कोई कोशिका है और इस कोशिकाओं में क्रोमेटिन का जाल, सॉरी ये केंद्रक है और केंद्रक में क्या है, क्रोमेटिन का जाल है और इसमें प्रोटीन पार्ट्स भी प्रेजेंट है, और केंद्रक है तो केंद्रक का स्वयं का भी अपना थोड़ा बहुत द्रव्य हो पाया जाता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट है और इसी में केंद्रिका में भी मिलेगी छोटी सी एक, ठीक है। तो इसी में अपने को डिविजन कराना है, तो सबसे पहले ये वाली प्रावस्था है प्रोफेज। अब प्रोफेज में लगातार क्या हो जाता है कि यहां पर कोशिका की मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और ये लगातार क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है। जब कोशिका लगातार वृद्धि करती रहती है तो फिर उसको क्या हो जाता है, उसका केंद्रक का नियंत्रण उस जीव द्रव्य से समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद में वहां पर प्रोफेज अवस्था आती है और यहां पर लगातार क्या हो जाता है, प्रोटीन पार्ट्स का फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है और लगातार कोशिकाएं लगातार आकार आकृति में वृद्धि करना।
प्रारंभ कर देती है। उसके बाद में यहां पर क्या हो जाता है कि जो एनाफेज जैसे ही आती है तो यहां पर क्रोमोजोम्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये जो क्रोमेटिन जाल है ये संघनित होकर छोटे छोटे क्रोमोजोम्स का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। यानी यहां पर कोशिका केंद्रक के अंदर छोटे छोटे क्रोमोजोम्स बनने लगते हैं। यानी यहां पर रेप्लिकेशन होकर ही छोटे छोटे क्रोमोजोम्स बनने लगते हैं। द प्लेट, अब यहां पर मेटाफेज प्लेट आती है, यानी यहां पर क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन हो गया। अब फॉर्मेशन होने के बाद में जब मेटाफेज आती है तो मेटाफेज में क्या हो जाती है कि ये क्रोमोजोम्स क्या हो जाते हैं, स्पेंडल फाइबर्स हैं, ध्रुवों से जुड़ जाते हैं। यानी ये स्पेंडल फाइबर है इनसे क्रोमोजोम्स जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में ये सारे के सारे जो क्रोमोजोम्स हैं वो किस कौन सी प्लेट पर जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर जाते हैं। ये केंद्रक जुड़कर मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। प्रोफेज में तैयारी स्टार्ट हो जाती है, आकार आकृति में वृद्धि होती है और साथ में प्रोटीन पार्ट्स का लगातार फॉर्मेशन होता जाता है, और कहीं ना कहीं जो क्रोमेटिन जाल है वो आपस में संघनित होने लगता है, और संघनित होने के बाद में वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होकर वो क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करने लगता है। इसी दौरान यहाँ पर रेप्लिकेशन भी होता है, और रेप्लिकेशन होने के बाद में यहाँ पर अलग अलग जीन्स का अरेंजमेंट हो जाता है, और अरेंजमेंट होने के बाद में सभी क्रोमोजोम्स को यह पता हो जाता है कि मुझे कौन सा वर्क आगे जाकर करना है। तो कंप्लीट यहां पर प्रोफेज में सारी तैयारियां होती है, एनाफेज में सारे क्रोमोजोम्स बनकर तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने के बाद में जो मेटाफेज प्लेट है उस मेटाफेज में क्या हो जाते हैं, ये एक प्लेट पर इस यहां पर केंद्रक के बीचों बीच एक प्लेट, काल्पनिक प्लेट होती है जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, इस पर सारे क्रोमोजोम्स आकर अरेंज हो जाते हैं। और जैसे ही क्रोमोजोम्स इस प्लेट पर आकर अरेंज होते हैं तो फिर यहाँ पर आती है टीलोफेज, और यहाँ पर टीलोफेज में ये वापस से क्रोमोजोम्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीन विनिमय इस वाले पोर्शन में भाई जीन विनिमय होता है, और इस बाद में ये क्रोमोजोम्स वापस से क्या चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, वापस से ध्रुवों की ओर खींच लिए जाते हैं। जीन विनिमय के बाद में सारे के सारे केंद्रकों को ध्रुवों की ओर खींच लिया जाता है, क्रोमोजोम्स को ध्रुवों की ओर खींच लिया जाता है, और बीच में एक पट्ट का निर्माण हो जाता है, और ये कोशिका अलग हो जाती है, और ये कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और ये कोशिका दोनों ही क्या हो जाती है, सेम टू सेम होती है, इसीलिए इनको क्लोन कोशिकाएं कहा जाता है, इसीलिए ये समसूत्री विभाजन कहलाता है। इसमें यहां पर समसूत्र यानी समान कोशिकाओं का एकदम एक्यूरेट कोशिकाएं जो समान कोशिकाएं उन्हीं का निर्माण होता है, यहाँ बड़ी छोटी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, यहां पर समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसकी प्रावस्थाएं याद होनी चाहिए आपको, कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज और प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज, कौन कौन क्या क्या होता है इनमें, वो चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भाई मेटाफेज प्लेट में, मेटाफेज में कौन सी प्रावस्था चलती है, या फिर कोशिका के आकार आकृति में वृद्धि कौन सी प्रावस्था में होती है, तो उसका आंसर जाएगा प्रोफेज, या फिर ध्रुवों की ओर क्रोमोजोम्स किस प्रावस्था में पुनः गमन करने लगते हैं, तो वो कौन सी प्रावस्था है, टीलोफेज। तो ऐसे अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस वाले पोर्शन से। इसी के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं अपन, ये पूरी पूरी कौन सी अवस्था है, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, माइटोसिस की अवस्था है। अब यहां पर कैरियोकाइनेसिस के अपन ने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस की, यानी केंद्रक विभाजन की अपन बात कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस की, यानी जीवद्रव्य विभाजन की। तो जीवद्रव्य विभाजन किस प्रकार से होता है, तो मुख्य रूप से जो जीवद्रव्य विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है। तो जीवद्रव्य विभाजन की बात कर लेते हैं, या अपन ने केंद्रक विभाजन की बात की, तो बात कर लेते हैं अपन जीवद्रव्य विभाजन की,
साइटोकाइनेसिस, जीव द्रव्य विभाजन। इस विभाजन के दौरान क्या होती है, दो प्रावस्थाएं चलती है, तो दो प्रकार का विभाजन पाया जाता है। जीव द्रव्य भी दो प्रकार के विभाजनों से संपन्न होता है। तो जीव द्रव्य विभाजन की बात कर रहे हैं तो जीव द्रव्य विभाजन भी दो प्रकार से संपन्न होता है, एक तो खांच द्वारा या संकुचन द्वारा, खांच द्वारा या संकुचन द्वारा। अब खांच या संकुचन किन पादपों में किन कोशिकाओं में संपन्न है हो सकते हैं? आपको ये चीज पता होगी कि कोशिकाओं भी क्या है, एक तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका आपने पढ़ी होगी, यानी जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, यानी जो पादप कोशिकाएं होती है और जो जंतु कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, भी अंतर होता है, दोनों कोशिकाओं में अंतर होता है। तो इसका मतलब ये अपने को स्पष्ट रूप से पता है कि जब दोनों कोशिकाओं में अंतर होता है तो कहीं ना कहीं दोनों में विभाजन भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार का पाया जाएगा। दोनों कोशिकाओं में एक जैसा समान विभाजन नहीं पाया जा सकता। तो इसका मतलब जो उनका जो जीव द्रव्य बटेगा तो वह भी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की विधियों द्वारा बढ़ सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि पादप कोशिकाएं क्या होती है, उनका जो बाहरी आवरण होता है वो सेलोल का बना होता है, यानी वो कोशिका भित्ति का बना होता है। अब ये भी जानते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, थोड़ी कठोर प्रवृत्ति की पाई जाती है। जब कठोर प्रवृत्ति की कोशिका भित्ति पाई जाती है तो इसका मतलब इसका जीव द्रव्य कुंचन या फिर इसमें क्या हो जाती है, खांच का निर्माण आसानी से नहीं हो पाता। जब इसमें खांच या जीव का मतलब इसका जीव द्रव्य कुंचित नहीं हो पाता या फिर खांच का निर्माण आसानी से नहीं हो पाता, तो इसका मतलब इस पादप कोशिका के लिए कौन सी विधि चाहिए, इसके लिए विधि आती है भाई पट्ट का निर्माण। यानी इसमें जो जीव द्रव्य विभाजन होता है वह पट्ट के निर्माण के द्वारा जीव द्रव्य विभाजन होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई पादप कोशिकाओं में कौन सी विधि द्वारा जीव द्रव्य का विभाजन होता है, तो आंसर जाएगा पट्ट के निर्माण के द्वारा। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किस प्रकार की विधि द्वारा होता है, तो भाई खांच या संकुचन द्वारा यहाँ पर निर्माण होता है। तो जंतु कोशिकाओं में जो विभाजन होगा, तो जैसे जंतु कोशिका है तो इसके ऊपर सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल है ये नहीं पाई जाती, पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है, इसी कारण से ये कठोर प्रवृत्ति की कोशिकाएं मानी जाती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इस कारण से इसके जो बाहरी आवरण होता है झिल्ली का, ये थोड़ा कोमल होता है, और कोमल होने की वजह से ये कोशिका क्या हो जाती है, अंदर की तरफ धस जाती है, और अंदर की तरफ धस जाने से यहां पर क्या हो जाती है, खांच का निर्माण हो जाता है, यानी इनमें विभाजन खांच के द्वारा हो सकता है। तो अंदर की तरफ धसने की वजह से खांच का निर्माण हो जाता है और इसका केंद्रक दो भागों में बट जाता है और जीव द्रव्य भी क्या हो जाता है, दो भागों में बट जाता है। लेकिन पादप कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता, ये कोशिका है, इसका केंद्रक है। अब इसका बाहरी आवरण थोड़ा कठोर होता है, सेल वॉल का बना होने के कारण पादप कोशिकाओं में विभाजन होना जीव द्रव्य खांच द्वारा विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि कोमल सतह उनमें नहीं पाई जाती। तो यहां पर जो विभाजन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, पट्ट का निर्माण, धीरे धीरे यहाँ पर कण आकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक धीरे धीरे पट्ट का निर्माण कर देते हैं। पट्ट का निर्माण करते इधर का जीव द्रव्य दूसरी साइड और इधर का जीव द्रव्य दूसरी साइड, और पूर्ण रूप से जब यहाँ कोशिका पट्ट का निर्माण कर लेती है तो नीचे वाली कोशिका सेपरेट अलग हो जाती है और वह ऊपर वाली कोशिका सेपरेट अलग हो जाती है। तो इनमें जो जीव द्रव्य विभाजन होता है, तो पादप कोशिकाओं में तो जीव द्रव्य विभाजन किस प्रकार से होता है, पट्ट के निर्माण के द्वारा, और जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें जीव द्रव्य विभाजन किस प्रकार से होता है, खांच द्वारा या संकुचन द्वारा जीव द्रव्य का विभाजन पाया जाता है। तो आपको मैं माइटोसिस के कुछ महत्वपूर्ण यहां पर बिंदु बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोसिस से संबंधित काफी रोचक तथ्य आपको मैं बताने वाला हूं। आपको शायद पता ना हो लेकिन माइटोसिस क्या होता है, जायगोट से पूर्ण रूप से एक मनुष्य का निर्माण होने में माइटोसिस का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, और
ये जायगोट से पूर्ण एक पूरी बॉडी का निर्माण करने में माइटोसिस का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा पॉइंट आता है कि माइटोसिस क्या होता है, कि भ्रूण अवस्था से लेकर मृत्यु तक माइटोसिस की अभिक्रिया जारी रहती है। भाई ये आपको फैक्ट बता रहा हूं मैं बिल्कुल ही, कि माइटोसिस की अभिक्रिया जब जन्म से मृत्यु तक माइटोसिस की क्रिया लगातार शरीर में होती रहती है। उसके बाद में माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस हमारे शरीर में 6×10^12 कोशिकाएं पाई जाती है जिनका निर्माण भी माइटोसिस के द्वारा होता है। यानी समझ सकते हैं कि माइटोसिस कितना इसका कितनी कोशिकाओं का शरीर में निर्माण करता है। एक वयस्क मनुष्य में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका निर्माण माइटोसिस के द्वारा ही संभव हो सकता है, बाकी अदरवाइज किसी भी द्वारा संभव नहीं है। उसके बाद में अगला फैक्ट आता है कि मरने से 48 घंटे बाद तक कोशिकाओं में माइटोसिस की क्रिया संपन्न होती रहती है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि मरने के बाद में जैसे ही हृदय की धड़कन बंद होती है तो उसके बाद में भी सेल डिवीजन बंद नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं में जान बची रहती है, बहुत सारी कोशिकाओं का जीव द्रव्य अभी सूखा नहीं है, उनमें उनकी मेटाबॉलिज्म लगातार एक्टिवेट रहती है। तो लगभग 48 घंटे यानी मृत्यु के 48 घंटे बाद तक माइटोसिस की क्रिया प्रारंभ रहती है। भाई ये आपको याद होना चाहिए कि मरने के 48 घंटे बाद तक भी माइटोसिस की क्रिया चलती रहती है शरीर के अंदर।